हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टडी कराऊंगा, और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर देखते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर है क्या? वह डिवाइस जो किसी एक्सटर्नल वर्क की सहायता से लो टेम्परेचर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पर हीट एनर्जी को छोड़ता है या रिलीज करता है, क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर। हम लोग परिभाषा लिखते हैं, क्या है वह डिवाइस जो किसी एक्सटर्नल वर्क की सहायता से एक्सटर्नल वर्क का मतलब यह है उसमें किसी न किसी कार्य की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी डिवाइस से उसको कार्य देना पड़ेगा। तो वह डिवाइस जो किसी एक्सटर्नल वर्क की सहायता से लो टेम्परेचर से ऊष्मीय ऊर्जा एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पर ऊष्मीय ऊर्जा को रेफ्रिजरेटर कहलाता है। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि कभी कभी अगर हम लोग इफ़िशियंसी निकालेंगे तो कभी कभी इसकी इफ़िशियंसी जो होगी सीओपी की तुलना में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरीके से हम लोगों ने हीट इंजन में देखा था, वो सॉरी हीट पंप में देखा था, उसकी अगर हम लोग सीओपी ना निकाल के इफ़िशियंसी निकालते तो इफ़िशियंसी 100% से ज़्यादा आती। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीओपी निकालते हैं। माना ये लो टेम्परेचर है जिसको हम लोग सिंक कह रहे हैं, और ये हाई टेम्परेचर है जिसको हम लोग सोर्स कह रहे हैं। अगर हमें फ्रिज को चलाना है तो हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस से वर्क देना पड़ेगा। यहाँ से जो सिंक से ऊष्मीय ऊर्जा ली जा रही है वो कितनी है, QL, और जो उसमें ऊर्जा छोड़ी जा रही है वो कितनी है, QH। रेफ्रिजरेटर है, हमारा एम क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। लो टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब यह है कि हमें कम तापमान पे किसी वस्तु को बनाए रखना होता है। इसके लिए हम लोग लगातार उससे हीट का स्थानांतरण करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएं
क्या लगाएंगे, फ्रॉम फिगर, क्या है फिगर से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या है, देखिए डब्ल्यू और क्यू एल दोनों मिलके यहाँ पे आ रहे हैं इनपुट के रूप में, बाद में हमारा आउटपुट क्यू एच मिल रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस क्यू एल इज इक्वल टू क्यू एच के। यहाँ से अगर हम लोग डब्ल्यू बराबर निकालें तो कितना आएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल के। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। फिर सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालें, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, डिजायर इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क। हमारा डिजायर इफेक्ट क्या है, लो टेम्परेचर मेंटेन करना, मतलब लगातार उसमें ऊर्जा का यहाँ से निष्कासन, अपॉन वर्क, वर्क की वैल्यू क्यू एच माइनस क्यू एल के। फिर अकॉर्डिंग टू क्लासियस एन इक्वलिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एल को टी एल के बराबर और क्यू एच को टी एच के बराबर, ठीक। तो हमारा जो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो कितनी आ गई, 1 TL अपॉन TH माइनस TL के, और यही हमारी QL अपॉन QH माइनस QL के बराबर हो गई। अब हमें निकालना है रेफ्रिजरेटर की COP और हीट पंप की COP में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, दोनों की सीओपी के बीच हमें संबंध निकालना है। अभी हम लोगों ने निकाला क्या कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है, टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। अब इसमें हम लोग क्या करें, दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ एक जोड़ देने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अगर हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल के, यहाँ से 1 आ गया। फिर हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं टी एच माइनस टी एल को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टी एल प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, टी एच माइनस टी एल के। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग टी एल से टी एल कैंसिल हो गया, बचा कितना, टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर ये टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल, ये किसके सी ओ पी है, सी ओ पी ऑफ हीट पंप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर सी ओ पी ऑफ हीट पंप। तो हमारा रिलेशन ये निकल के आ गया कि जो हीट पंप की सी ओ पी है वो 1 प्लस रेफ्रिजरेटर की सी ओ पी के इक्वल होती है। उम्मीद करता हूँ ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की सी ओ पी और रेफ्रिजरेटर की सी ओ पी में संबंध जो था वो क्लियर हो गया होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।